एक तरफ गैंगस्टर्स परेशान हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में ड्रग माफियाओं की नींद उड़ गई। इस बीच नवा शहर में जब्त की गई 38 किलो हेरोइन के मामले गुजरात और महाराष्ट्र तक जुड़ रहे हैं। केजरीवाल इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर रहे हैं। पंजाब में एक तरफ नशे के खिलाफ मान सरकार सख्त है तो दूसरी तरफ तस्करों के हौसले दिन ब दिन और बुलंद होते जा रहे हैं, और इस बात का सबूत है नवा शहर में पकड़ी गई 38 किलो हेरोइन की खेप। ट्रक के टूलबॉक्स में छिपाकर लाई जा रही ड्रग्स के इस खेप की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 190 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खुफिया सूचना के आधार पर नवा शहर के महलो बाईपास पर चेकिंग के दौरान नशे की खेप बरामद की गई। छापेमारी के दौरान पकड़े गए दो आरोपियों के मुताबिक ड्रग्स तस्करी के इस खेल का कनेक्शन गुजरात के भुज से है और इसका मास्टरमाइंड सोनू खत्री और राजेश कुमार नाम का एक शख्स है। ये बेसिकली इतने का गैंगस्टर है सोनू खत्री, ये उसकी कंसाइनमेंट है, वो ये मॉड्यूल रन कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है टेलीग्राम ऐप के उत्ते जी, तो वो हाले फड़िया नहीं गया। दो बंदे हाले फड़न वाले है, दो असी बंदे फड़ ले रहे हैं। दे यूज टू यूज़ द टेलीग्राम ऐप टू गिव द मैसेज टू ईच अदर। ये बेसिकली राजस्थान भुज तो लैके आए हैं गुजरात ते ये बंदे ने उन्होंने कन्फेस किया कि तीन कंसाइनमेंटा पहला भी लैके आया, 10 किलो की, 20 किलो की, 1 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की लैके आया उड़ी तो जे एंड के तो, और 1 किलोग्राम भी ये लैके आया दिल्ली तो। अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि सोनू खत्री उर्फ राजेश कुमार इस वक्त ब्राजील में है और वहीं से गुजरात के रास्ते पंजाब और आसपास के इलाकों में हेरोइन सप्लाई करने का वो काम करता है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। गुजरात में इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स कौन ला रहा है, इस धंधे का मालिक कौन है, सोचिए कितना रोज पकड़े बिना निकल रहा होगा। क्या इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का धंधा टॉप के लोगों की मिली भगत के बिना संभव है? आप देश के युवा को अंधकार में धकेल रहे हैं। इस बीच अमृतसर पुलिस के हाथ भी एक बड़ी कामयाबी लगी है। जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 6 सदस्य ड्रग्स और अवैध हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अमृतसर देहात पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में पिछले 10 दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इनफॉरमेशन दे बेस ते गड्डी दा पीछा किता गया सीगा ते 12-13 किलोमीटर हॉट चेज चली, गड्डी नू घेरिया गया, पुलिस पार्टी ते फायरिंग हुई, जवाबी भी फायरिंग हुई। बाई चांस उन्हों का जोड़ा असला सीगा वो रोक लग गई, ब्लॉक हो गया, इस करके बंदे जड़े फड़े गए। एक वेपन बरामद होया सीगा उन्हों तो, ते 2 किलो दे करीब हेरोइन। नशे के खिलाफ चल रहे पुलिसी एक्शन से पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी बेहद गदगद दिख रहे हैं और जल्द ही विदेशों में बैठे ड्रग डीलर और गैंगस्टरों का हिंदुस्तान लाने का आश्वासन दे रहे हैं। सोनू खत्री नाम का गैंगस्टर जिस ते भी परचे दर्ज है, जो बाहर बैठा है उसने हेरोइन भेजी सी। असी इन्वेस्टिगेशन नू जारी रखते हुए इस खेप दे फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस नू वर्कआउट करांगे, नेटवर्क दे विच जिहड़े भी संदिग्ध मुलजम है उन्होंने गिरफ्तार करांगे। मैं यह भी दसना चाहवांगा कि हाल के ही पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने कैनेडियन अथॉरिटीज नाल मीटिंग की सी, ते साडा उपराला हैगा कि जिहड़े साडे गैंगस्टर साडे ड्रग स्मगलर बाहर बैठे हैं उन्होंने एक्सट्राडाइट करावांगे, डिपोर्ट करावांगे, छेती लेके आवांगे ताकि वो जस्टिस नू कानून नू फेस कर सकन। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाह ड्रग्स तस्करी का नया अड्डा बन गए। पिछले 2 महीने में पंजाब पुलिस के द्वारा करीब 185 किलो ड्रग्स जब्त की गई जो गुजरात और महाराष्ट्र में भेजे गए थे। आज तक ब्यूरो।